आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया का खास शो बॉलीवुड गपशप और मैं हूं आपके साथ काजोल नारायण। तो हो जाइए तैयार एंटरटेन होने के लिए क्योंकि आपके एंटरटेनमेंट में लगने जा रहा है नया तड़का। देखिए शाहिद कपूर की पत्नी के दिल में कौन है। नेहू की शादी के बाद भी ट्रोल हो रहे हैं नेहू के एक्स। कपिल शर्मा ने किया नेहा को शादी के लिए प्रपोज। एक बार फिर किया मलाइका ने छैया छैया। आखिरकार आलिया बन ही गई डॉन, तो इंतजार किस बात का। वैसे तो शाहिद और मीरा की जोड़ी हर किसी को भाती है, लेकिन मीरा के मन में कोई और बसता है। अरे नहीं, जो आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की वाइफ मीरा राजपूत सबसे चर्चित स्टार पत्नियों में से एक है। नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी मीरा की पॉपुलैरिटी किसी स्लैब से कम नहीं है। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक आस्क मी एनीथिंग सेशन किया जिसमें उन्होंने फैंस के सवालों के जवाब दिए। इस दौरान फैंस ने उनसे उनके क्रश के बारे में पूछा, जिसका जवाब मीरा ने काफी हैरानी भरा दिया। उन्हें पति शाहिद कपूर नहीं बल्कि साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर एबी डिविलियर्स पर क्रश है और वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं। मीरा ने इस दौरान कई पर्सनल जिंदगी के भी राज खोले। चलिए ये तो फेवरेट क्रिकेटर के बारे में बोल रही थी, वरना हम तो डर ही गए थे कि अगर मीरा किसी और को पसंद करती हैं तो शाहिद का क्या होगा। नेहू के एक्स यानी हिमांश कोहली ने पिछले साल नवंबर में इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया था कि उन्होंने रोहनप्रीत सिंह से शादी करने वाली अपनी पूर्व प्रेमिका नेहा कक्कड़ से माफी मांगी थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि माफी मांगने के बाद कई लोग उन्हें ट्रोल करते हैं। आगे वो कहते हैं कि मैं सच में उन लोगों से बोलना चाहता हूं जो कमेंट करते हैं, भाई नेहू की शादी हो गई है, मुझे पता है, मैं दोनों के लिए बेहद खुश हूं और मैं अपने लिए भी खुश हूं। मैं इस ट्रोलिंग से परेशान हो गया हूं और अगर लोग वास्तव में केवल मेरा मजाक बनाने में रुचि रखते हैं तो कम से कम प्रासंगिक और वर्तमान की चीजों के बारे में बात करें। बस करो भाई, मत करो हिमांश को ट्रोल, अब तो माफी भी मांग चुके हैं। टीवी एक्ट्रेस नेहा पेन से इन दिनों टीवी कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में अनीता भाभी जी का किरदार निभाते हुए दिखाई दे रही हैं और फैंस को नई भाभी के रूप में लुभाते हुए भी नजर आ रही हैं। टीवी शो में नई गोरी में यानी अनीता भाभी अपने अंदाज से अपने फैंस के साथ साथ दर्शकों को अपनी एक्टिंग से एंटरटेन करती दिख रही हैं। नेहा पेंसे को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें कपिल शर्मा नेहा पेंसे को प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार नेहा कपिल के कॉमेडी शो फैमिली टाइम विद कपिल शर्मा में होस्ट के रूप में पहुंची और एंकर के रूप में काम कर रही थी। उस समय कपिल ने नेहा को कहा था, कहाँ थी तुम पूरे एक हफ्ते बाद मिली हो, ना कोई फोन कॉल ना कोई मिस कॉल, मैं तुम्हारे लिए काफी सीरियस हूँ, मुझको डर है कहीं मैं खून से अपने लिए लव लेटर ना लिख दूं। मैं तो कहता हूँ कोई अच्छा सा दिन देखकर अपने रिश्ते को शादी का नाम दे देते हैं। बस यही वो वीडियो है जो तेजी के साथ वायरल हो गया। अपनी टोन बॉडी और बेहतरीन डांसिंग स्किल के चलते मलाइका अरोरा इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है। मलाइका अक्सर अपने अनूठे अंदाज के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। वहीं आज हम आपको मलाइका के वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जो काफी वायरल हो चुका है। इस वीडियो में मलाइका फिल्म दिल से के सॉन्ग छैया छैया पर परफॉर्म करती नजर आ रही हैं। बता दें कि सॉन्ग पर ओरिजिनली मलाइका ने ही परफॉर्म किया था। छैया छैया गाना मलाइका और शाहरुख खान के ऊपर एक ट्रेन की छत पर फिल्माया गया था। बहरहाल वायरल हुए इस वीडियो में मलाइका सिल्वर ड्रेस में नजर आती हैं और कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस के साथ जमकर ठुमके लगाती हुई देखी जा सकती हैं। एक्ट्रेस आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के फैंस का इंतजार अब खत्म हो चुका है। फिल्म की रिलीज डेट सामने आ चुकी है। संजय लीला भंसाली के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस की गई है। साथ ही फिल्म से आलिया का नया पोस्टर भी रिलीज कर दिया गया। आलिया भट्ट ने पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 30 जुलाई को सिनेमाघरों में गंगूबाई काठियावाड़ी। पोस्टर में आलिया भट्ट कुर्सी पर पैर रखकर बैठी हुई हैं, हल्के रंग के कपड़े, आंखों में मोटा मोटा काजल और बड़ी सी बिंदी लगाए आलिया का अवतार काफी दमदार नजर आ रहा है। इसी के साथ ये भी बताया गया कि फिल्म का टीजर आज यानी 24 फरवरी को रिलीज हो चुका है। बता दें कि फिल्म आलिया भट्ट फीमेल डॉन का किरदार निभा रही है। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी किताब द माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। और बॉलीवुड खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।